Oh my god. Jabardast. हेलो फ्रेंड्स, नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं अमित और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही शानदार मशीन जिसका नाम है स्टारक्यू का W8 हाई प्रेशर वॉशर। ये दोस्तों W6 का अपग्रेडेड मॉडल है। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं इसका प्रेशर कैसा है, इसकी क्वालिटी कैसी है, सारा कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा वॉच कीजिएगा, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पैकेजिंग काफ़ी शानदार की गई है, मशीन का डैमेज ना हो इसके लिए देखिए एयर बबल्स का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो इसको फिलहाल मैं करता हूँ साइड में। यहाँ पर दोस्तों मिल जाता है आपको एक हाई प्रेशर वॉशर का इंस्ट्रक्शन मैनुअल, ये है इसका मॉडल। ठीक है, तो इसको करता हूँ मैं फ़िलहाल साइड में। यहाँ पर आपको एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ भी मिल जाता है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि कार वॉश करते वक्त हमें माइक्रोफाइबर टॉवल का यूज़ करना चाहिए। तो कलर भी इसका काफ़ी अच्छा है, इसको कर देता हूँ मैं फ़िलहाल साइड में। यहाँ पर आपको एक मिल जाता है शैम्पू डिस्पेंसर इस बॉक्स में, उसके साथ ही साथ आपको मिल जाता है यहाँ पर स्टैंडर्ड गन। ठीक है, तो गन की क्वालिटी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी है, नो डाउट। और यहाँ पर आप इसमें अडाप्टर लगा सकते हैं जिससे कि आप फोम कैनन इस्तेमाल कर सकते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें एसेसरीज जो हैं वो यहाँ पर अटैच करके आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड गन है यहाँ पर। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें मिल जाता है एक सक्शन पाइप, इसको पहले निकालता हूँ मैं। तो ये रहा सक्शन पाइप, देख सकते हैं इसकी क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन है। तो इसको भी कर देता हूँ मैं साइड में। तो दोस्तों यहाँ पर बॉक्स में अभी देख सकते हैं हाइड्रोलिक हॉस पाइप मिल जाती है आपको, वो भी काफ़ी अच्छे क्वालिटी का, ये देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन है। और ये M22 साइज़ का है और ये 8 मीटर के करीब है। ठीक है, और इसका मैक्सिमम प्रेशर 4200 PSI तक ये झेल सकता है, तो इसकी नो डाउट क्वालिटी काफ़ी शानदार है। इसका यूज़ करके देखेंगे हम अभी आगे वीडियो में। और बॉक्स में हमें मिल जाता है ये देख सकते हैं एक फिल्टर, सक्शन फिल्टर। ठीक है, इसको भी कर देता हूँ मैं फ़िलहाल साइड में। और उसके बाद बॉक्स के नीचे यहाँ पर देख सकते हैं एक एक्सटेंशन रॉड भी मिल जाता है हमें, तो ये काफ़ी बेहतरीन चीज़ है जिससे कि आप आसानी से वॉश कर सकते हैं कार को। अब निकालते हैं मशीनरी को अपने मेन कंपोनेंट, इसका वेट काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों। फिलहाल मैं इस बॉक्स को पहले साइड कर देता हूं और उसके बाद आपको दिखाता हूं। तो दोस्तों ये रहा स्टारक्यू का हाई प्रेशर वॉशर, यहां पर देख सकते हैं काफ़ी यूनिक डिज़ाइन है और इसका जो पूरा प्रेशर वॉशर का हेड है और मोटर है वो पूरा पैक्ड है, तो पानी जाने का कोई चांस नहीं है। और जो इसके नट्स हैं, स्क्रू हैं, वो भी काफ़ी अंदर हैं, तो इससे क्या होगा कि पानी से ये डैमेज नहीं होगा और जंग नहीं लगेगा। यहाँ पर इनलेट फिल्टर की जगह डायरेक्ट लगा है, यहाँ पर ब्रास का देख सकते हैं दिया गया है अडाप्टर, तो बढ़िया है, कम से कम इनलेट फिल्टर टूटने का चांस नहीं रहेगा और ये थ्रेड जो है जल्दी ख़राब भी नहीं होगा। यहाँ पर दोस्तों प्रेशर गेज मिल जाता है आगे की साइड, ये देखिए पूरा कवर है। दूसरी साइड आपको मैं दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं बढ़िया ब्रास का लगाया गया थ्रेड, तो ये दोनों चीज़ तो काफ़ी बढ़िया है जो कि क्वालिटी को इम्प्रूव किया गया है। और बटन भी देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया लगा है इसमें, और इसकी जो प्लास्टिक की क्वालिटी है ये भी काफ़ी हैवी है। ठीक है, तो डैमेज होने का जल्दी चांस नहीं है। अब इसे मैं असेंबल करके आप लोगों को उसके बाद अब इसका प्रेशर चेक कराता हूँ। आए दोस्तों, अब इसको असेंबल करते हैं फटाफट। तो यहाँ पर हमारे पास है प्रेशर हॉस पाइप, तो एक थ्रेड जो है उसका यहाँ पर लगेगा। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ऐसे अंदर जाएगा और ये ऐसे, ये हो गया टाइट।
और दूसरा थ्रेड जो है वो गन में लगेगा, ये गन का हिस्सा जो है वो ये देखिए ऐसे लगाकर ऐसे इसको टाइट कर देना है। तो ये हमारा हॉर्स पाइप तैयार हो गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो सक्शन वाला पाइप मिला है इसमें एक साइड हमें फ़िल्टर लगाना है और एक साइड इसमें लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पहले इसको लगा देता हूँ, फिट कर देता हूँ। तो दोस्तों ये काफ़ी टाइट हो गया, देखिए निकल नहीं रहा है खींचने पर भी, क्योंकि अभी ये नया पाइप है। और दूसरा जो है हिस्सा वो हमारा पाइप का इसमें ऐसे फिल्टर में अटैच हो जाएगा, ये ठीक है। तो ये अब हमारा बकेट में जाएगा। दोस्तों हमें बॉक्स में ये दो एंटी स्लिप के लिए स्टिकर मिला है, तो इसको हम पहले लगा देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दो जगह, जैसे कि अगर किसी प्लेन सरफेस पर रखते हैं तो वो वाइब्रेशन से ऐसा ना हो कि ये मशीन आगे भागने लगे, तो इसको यहाँ पर ऐसे चिपका देते हैं। ये चिपक गया, एक हिस्सा यहाँ पर लगा देते हैं, इसमें गम लगी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट इसको आप ऐसे लगा सकते हैं। अब क्या है, ये थोड़ा सा जो है एक ग्रिप की वजह से जल्दी मूव नहीं होगा। तो चलिए इस बॉक्स को कट करके देखते हैं इसका प्रेशर कैसा है, ठीक है। ओ माय गॉड, जबरदस्त, ये लीजिए देखो कितना तगड़ा इसका प्रेशर है दोस्तों, कुछ ही सेकंड लगा होगा इसको कट होने में। वाह शानदार। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मड था, देखिए कितना बढ़िया खराब हुआ। अब इसको टायर पर इस्तेमाल करते हैं हम, तो ब्लेड की तरह वर्क कर रहा है दोस्तों, ये देखिए। वाह देख सकते हैं, मस्त एकदम नीट एंड क्लीन टायर हो गया है। आए दोस्तों अब कार की बॉडी पर इसको इस्तेमाल करते हैं और आपको दिखाते हैं इसका प्रेशर। ये देख सकते हैं इससे क्या है, आप इसको नैरो और वाइड कर सकते हैं। ये देखिए ये थ्रेड जो था, और ये इसको जीरो डिग्री पर आपको नहीं इस्तेमाल करना है, पॉइंटेड, ठीक है, इस तरह इस्तेमाल करना है स्प्रेड पिन में। ये देखिए जैसे देख सकते हैं आप, काफी शानदार है इसका। आइए मैं प्रेशर गेज में देखता हूँ इसका प्रेशर क्या बता रहा है। तो यहाँ पर ये देख, यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं प्रेशर गेज में, ठीक है, तो प्रेशर काफ़ी ज़्यादा शानदार है इसका, ये देखिए। वाकई में काफ़ी पावरफुल है। दोस्तों ये मशीन W6 का अपडेटेड मॉडल है, इससे पहले जो W6 आता था उसके कंपैरिजन में इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें दी गई हैं, आपको मैंने पहले भी दिखाया है वीडियो में। और इसमें 2800 वाट की मोटर लगी हुई है, जिसकी वजह से इसका प्रेशर काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है पहले से। तो अब चलते हैं फोम वॉश करते हैं इसको, उसके लिए मैं अलग से इसमें फोम कैनन लगाकर आपको दिखाऊंगा। अगर आपको फोम कैनन के साथ ये परचेस करना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसको कॉम्बो पैक में भी खरीद सकते हैं। तो चलिए अब फोम वॉश करके ट्राई करते हैं। दोस्तों फोम वॉश करने के लिए पहले इसका जो आगे का ये नोज़ल है इसको हम निकाल देते हैं, और यहाँ पर एडाप्टर
फिट कर देते हैं। आप फोम कैनन जब परचेस करेंगे तो आपको साथ में अडाप्टर भी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे ये फिट हो जाता है, अब उसमें ये फोम कैनन लगाएंगे। इसमें शैम्पू पहले से ही बना के रखा हुआ है ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे। तो चलिए अब इसको ट्राई करते हैं। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर फोम कितना थिक और गाढ़ा है कि बॉडी से उतर भी नहीं रहा है। तो प्रेशर जितना बढ़िया रहेगा उतना आपको थिक फोम जनरेट होगा, ठीक है। तो इस मशीन पर अभी अमेज़ॉन पर काफ़ी सारे ऑफर चल रहे हैं, तो आप उसका ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा। और इसको अगर परचेस करना है तो इस मंथ में ज़रूर इसे परचेस कीजिए, क्योंकि ऑफ़र में आपको ये कम प्राइस में मिलेगा, वरना बाद में क्या है कि प्राइस थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाती है, आपको पता ही होगा। तो इसे आप अमेज़ॉन से ख़रीद सकते हैं, काफ़ी दमदार प्रोडक्ट है, जिसे आप कार वॉश करना हुआ या फ्लोर क्लीन करना हुआ सभी काम में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसका प्रेशर मेरे को काफ़ी दमदार लगा और आपने भी देखा होगा, काफ़ी इंजॉय किया होगा इस वीडियो को। यहाँ पर मेरे को तीन चार चीज़ें इस प्रेशर वॉशर की काफ़ी अच्छी लगी। एक तो इसका हाइड्रोलिक हॉस पाइप काफ़ी मजबूत है, और यहाँ पर जो थ्रेड पहले प्रॉब्लम आता था, घिस जाता था या टूट जाता था, तो ये स्पेशली ब्रास का दे दिया गया है, जिससे कि डैमेज नहीं होगा और जंग नहीं लगेगा। दूसरे साइड भी काफ़ी अच्छा थ्रेड लगा हुआ है, जिससे कि आपका जो है वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे पहले क्या था कि वो थ्रेड जल्दी घिस जाता था, फिर पंप हेड चेंज करना पड़ता था, वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई है। और दोस्तों वाटर प्रूफ है, आप देख सकते हैं पानी के छींटे भी पड़े हुए हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली हमें। तो अगर आपको ये मशीन ख़रीदनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके इसे परचेस कर सकते हैं। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिसे भी ये परचेस करना है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय-बाय।